हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर वन के लिए हम मेनली प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और साथ ही आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के MCQs डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज़ द हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ऑप्शंस आर 1948 में, 1952 में, 1956 में या 1966 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शंस आर 1955 में, 1966 में, 1968 में या 1971 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों का भविष्य निर्धारित करने के लिए 1949 में स्थापित समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस आर डॉक्टर YS परमार, पट्टाभी सीतारमैया, KM पानीकर या कर्ण सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर फोर, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है। ऑप्शंस आर पीटर हॉप भवन, गोरतन भवन, इरसली भवन या संजौली भवन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, पीटर हॉप भवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर फाइव, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शंस आर 1852 में, 1862 में, 1872 में या 1882 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, 1852 में शिमला नगर निगम की स्थापना हुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे। ऑप्शंस आर सुभाष कश्यप, RK महाजन, NC नंदी या अनंग पाल। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी, NC नंदी 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे। प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शंस आर महारानी अमृत कौर, चिरंजी लाल वर्मा, कृष्ण लाल शर्मा या चंद्रेश कुमारी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, चिरंजी लाल वर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य बने थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया। ऑप्शंस आर 1952 में, 1971 में, 1969 में या 1979 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आर 1925 में, 1935 में, 1945 में या 1955 में। ऑप्शंस आर 1925 में, 1935 में, 1945 में या 1955 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन था। ऑप्शंस आर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शंस आर 1952 to 1951, 1954 to 1955, 1952 to 1953 या 1966 to 1967। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द 1954 to 1955 में प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 12, सन 1975 में प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद के लिए हुए चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन आर ठाकुर वीरभद्र सिंह, मनमोहन सिंह, कर्णपाल सिंह या ठाकुर कर्म सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर कर्म सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था। ऑप्शन आर जुलाई 1954 में, जनवरी 1950 में, अगस्त 1948 में या अप्रैल 1948 में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जुलाई 1954 इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द
शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था? ऑप्शन आर मंडी, सिरमौर, बिलासपुर या महासू। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, महासू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? ऑप्शन आर 15, 16, 25 या 30। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 30 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी क्षेत्र को एक कर उसे हिमाचल प्रदेश नाम कब दिया गया था? ऑप्शन आर 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 15 अप्रैल 1948 को या 15 फरवरी 1949 को। एंड द करेक्ट आंसर इज द 15 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन आर खनिज भंडारों के लिए, मंदिरों के लिए, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, चांदी भंडार के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए कुल्लू जिले का मलाना गांव प्रसिद्ध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत में स्वतंत्र होने तक संपूर्ण हिमाचल प्रदेश कितनी छोटी छोटी रियासतों व राजकीय क्षेत्रों में विभक्त था? ऑप्शन आर 31, 29, 40 या 25। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 31 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आर डॉक्टर वाई एस परमार, डॉक्टर राधास्वामी, श्री चंद्रमोहन, श्री केशव दास। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वाई एस परमार। देन लास्ट क्वेश्चन इज द 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आर पंडित शिवहारी, श्री परमानंद, पंडित शिवानंद रमोल या श्री राम सहाय। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पंडित शिवानंद रमोल इज द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चंस थे जो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड थे। साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी भी बोर्ड का हो या HPPSC द्वारा कंडक्ट किया जा रहा हो, या कोई बैंक का एग्ज़ाम हो या पटवारी का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश का जीके सभी एग्जाम्स पे पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस क्लास को देखना ना भूलें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।